एक ही मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर जिद पर अड़े विद्युत कर्मी, अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरू। बाणगंगा के मुख्य कार्यालय सहित जिले भर के कार्यालयों में लटकाए ताले। लोक अदालत में हुई एई के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों ने बीते रोज बाणगंगा स्थित विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय पर बैठक कर फैसला लिया था। फैसले में सुनिश्चित किया गया कि जब तक विद्युत विभाग के एई भदौरिया के साथ मारपीट करने वाले पांचों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज देती, तब तक विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की 15 दिसंबर से हड़ताल जारी रहेगी। इसी मांग के चलते आज बाणगंगा के मुख्य ऑफिस के साथ जिले के विभिन्न विद्युत ऑफिस में ताले लटकाकर अधिकारी और कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिला संयोजक ने बताया कि जब पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक जिले में हड़ताल जारी रहेगी। वहीं कल ग्वालियर संभाग में यहां पर अन्य जिलों में भी इसी तरीके से हड़ताल की जाएगी और इसके बाद भी अगर आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो प्रदेश स्तरीय हड़ताल करेंगे। वहीं एमपीईवी विभाग ने काम बंद करने के हड़ताल के आह्वान के बाद शिवपुरी पुलिस ने एमपीईवी के एई आरएस भदौरिया से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य तीन की तलाश जारी है। 11 तारीख को लोक अदालत के दिन श्री रंजीत सिंह भदौरिया सहायक यांत्री की मारपीट कर ली। तो किस विषय को लेकर आप अभी तक डटे हुए हो? नहीं, अभी तक नहीं, सिर्फ हमारा आज ही चालू हुआ है। अभी तक हमने ज्ञापन वगैरह दे के मांग करते रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई उन लोगों के विरुद्ध, तब हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। किस प्रकार की मांग आप कर रहे हैं? हमारी मांग ये जो भी दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अच्छा, ये जो जैसे आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन की हो तो इसमें जो उपभोक्ता हैं तो उनको क्या कुछ समस्याएं आना पड़ेंगी? व्यक्तिगत समस्याएं जिनकी हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। और बाकी किन समस्याओं को आप बंद कर दोगे या किस प्रकार? नहीं, बंद कुछ भी नहीं रहेगा, जो बंद है हो जाएगा, उसे चालू नहीं करेंगे, जो चालू है वो चालू रहेगा। सिवाय इमरजेंसी सेवा को छोड़। आपने कुछ समय सीमा तो दी होगी कि हमारा इतने दिन में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम इसी प्रकार की हड़ताल? हमने 24 घंटे का पहले अल्टीमेटम दे दिया था और उसके पहले हम 3 दिन का नोटिस दे चुके थे वहाँ भोपाल में। तो क्या कुछ निर्णय निकला उसका? अभी तक सिर्फ मात्र 2 लोगों को नामजद कर पाई है पुलिस और बकाया 3 लोग अभी और भी बचे हुए, अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी और बकाया। तो पुलिस का कहना है कि वो जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, फिर भी आपका धरना प्रदर्शन जब तक गिरफ्तार होकर चालान पुटअप नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। और अगली कड़ी में जो कि कल से हमारा अगला चरण चालू हो रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी इसी तरह से कल से हड़ताल चालू हो जाएगी। इसके बाद भी आपकी अगर सर सुनवाई नहीं होती इसके बाद क्या? फिर एमपी लेवल पे जाएंगे।